बुलंदशहर के धमेड़ा तीरथ गांव के पास 20,000 के नामी बदमाश गौतम और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं गोली लगने के बाद बदमाश पुलिस के सामने अपने गुनाहों से तौबा करने लगा। इनामी बदमाश के पास से सोने के आभूषण, नकदी, बाइक, एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। इनामी बदमाश पर अलग अलग थानों में गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 9 मामले दर्ज हैं। हमारी नगर द्वारा स्क्रीन से कराई जा रही थी, स्क्रीन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। बचाव में पुलिस पार्टी ने उसके ऊपर फायर किया, जिसमें वो घायल हो गया। जब उसको उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह गौतम नामक व्यक्ति है, जो कि कोतवाली नगर से वंचित है और उसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम है। उसका आपराधिक इतिहास दिखा गया तो लगभग उसके ऊपर 8-9 मुकदमे हैं, जो लूट से लेकर के चोरी तक गैंगस्टर तक